Assalamu alaikum guys, this is me Ahmed Rza and you are watching How to Do This. आज का हमारा टॉपिक है What is Bootstrap? Intro to Bootstrap. आज से हम Bootstrap सीखना स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले देख लेते हैं कि Bootstrap होती क्या है. Bootstrap is a free front-end framework for faster and easier web development. Bootstrap includes HTML and CSS based design templates for typography forms, button tables, modals images and many other as well as optional JavaScript plugins. JavaScript plugins kya hoti hain ye hum aage jaake seekhenge. Bootstrap also gives you the ability to easily create responsive designs. Yahan pe ek question raise hota hai ki responsive design kya hota hai. Chaliye hum dekh lete hain responsive design kya cheez hai. What is responsive web design? Responsive web design is about creating websites which automatically adjust themselves to look good on all devices, from small phones to large desktops. Mean to say, जब आप एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं जो कि आपने लैपटॉप पे क्रिएट की है, जब उसे मोबाइल पे देखा जाएगा तो उसकी लुक कैसी नजर आएगी, वो कैसी अपेयर होगी, इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस. अगर उसकी लुक अच्छी नजर आए तो वो रिस्पॉन्सिवनेस है. अगर लुक उसकी बिगड़ जाए, मतलब आपने एक इमेज लेफ्ट साइड पे की थी, जब उसकी स्क्रीन छोटी हुई तो वो राइट साइड पे आ गई है, तो उसकी लुक बिगड़ गई है, तो वो रिस्पॉन्सिव नहीं है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको गूगल की चेक कराता हूँ. ये देखिएगा, ये एक लैपटॉप पे होम पेज है गूगल का, ठीक है. जैसे ही मैं इसका साइज डिक्रीज करता हूँ तो आप देखेंगे कि सबसे पहले इसने स्क्रोल बार एड कर दी है हाइट की जगह, और विड्थ की जगह जितना मैं इसकी विड्थ डिक्रीज करूंगा उतनी ही इसकी सर्च बार भी डिक्रीज होती जाएगी लुक, ठीक है. तो ये रिस्पॉन्सिव है. अगर ये रिस्पॉन्सिव ना होती तो जैसे ही मैं इसकी डिक्रीज करता तो ये गूगल कहीं और साइड पे चला जाता, ये सर्च बार कहीं और साइड पे चली जाती, और जो ये आइकन्स है ये कहीं और साइड पे चले जाते, ओके. और अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है कि अगर हम डायरेक्टली रिस्पॉन्सिव की तरफ आ जाएं, बूटस्ट्रैप की तरफ, हम सीएसएस ना सीखें तो कैसा. तो इस पे ये होता है कि हम डायरेक्ट रिस्पॉन्सिव पे कभी नहीं आ सकते, क्योंकि बूटस्ट्रैप में भी सीएसएस की क्लासेस यूज होती हैं. अगर सीएसएस का हमें बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो हम बूटस्ट्रैप नहीं सीख सकते. इस वजह से सबसे पहले आपको एचटीएमएल करवाई गई है, बाद में सीएसएस करवाई गई है, ठीक है. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि सीएसएस को हम कैसे यूज कर सकते हैं. सबसे पहले सीएसएस के लिए आपको फाइल्स डाउनलोड करनी पड़ती है. जैसे फॉन्ट ऑसम के लिए आपको फाइल्स कुछ डाउनलोड करनी पड़ती थी, या सीडीएन उसका लिंक थ्रू करवाना पड़ता था कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के जरिए, वैसे ही आपको बूटस्ट्रैप के लिए कुछ फाइल्स डाउनलोड करनी पड़ती है. तो चलिए फाइल्स डाउनलोड कर लेते हैं. आपने यहाँ पे जाना है साइट पे get bootstrap.com. ओके, यहां पे जाने के बाद आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है. अब यहां पे आपको दो चीजें नजर आएंगी. एक आप सिंपल यहां पे डाउनलोड पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ओके. और दूसरा है बूटस्ट्रैप सीडीएन. बूटस्ट्रैप सीडीएन आप तब यूज करते हैं जब आप अपने लैपटॉप को होस्ट नहीं बनाना चाहते, मतलब लिंक के थ्रू आप उसे कॉपी करना चाहते हैं. इसके लिए आपको इंटरनेट आपका होना जरूरी है. आप सिंपल अगर सीडीएन करना चाह रहे हैं, अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है, आप सिंपल इधर करें कॉपी, ठीक है, और सबलाइम ओपन करके वैसे ही आपने एचटीएमएल जैसे फाइल्स क्रिएट करते थे वैसे ही आपने फाइल क्रिएट करनी है, और हेड की जगह हेड के अंदर इसे आपने पेस्ट कर दिया, ठीक है. तो आपका ये वर्क करेगा. आपने सिंपल क्या करना है, सिर्फ बूटस्ट्रैप की सीडीएन को कॉपी करके हेडर के अंदर आपने पेस्ट कर देना है, ओके. अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, मतलब आपके पास 24 घंटे इंटरनेट नहीं रहता, आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को ही होस्ट बनाना चाहते हैं, तो आप यहां से फाइल्स डाउनलोड कर लें, ओके. मैंने पहले ही से डाउनलोड करके रखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूं. ये देखिए, ये मैंने डाउनलोड करके रखी है. आपने इसे एक फोल्डर बनाया है, वहां पे आपने इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है. मैंने यहां पे इसे एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, ये देखिए, ठीक है. ये इसके अंदर दो फाइल्स होंगी, जावास्क्रिप्ट की और सीएसएस की, ठीक है. ये आपने फाइल्स रखनी है,
और आपने इसी फोल्डर के अंदर अपना एक सबलाइम का पेज बनाना है, मतलब न्यू डॉक्यूमेंट आपने बनानी है इसी फाइल्स के अंदर, ठीक है। और अगर आप लिंक नहीं ऐसे क्रिएट करना चाहते तो सिंपल आपने क्या करना है, मैं आपको फाइल्स बता देता हूँ जो आपने लिंक करना है उसके साथ, सॉरी सिंपल आपने क्या करना है, ये फाइल्स हैं जिनको आपने लिंक करना है इसके साथ। अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद नहीं है 24 आवर्स और अपने ही लैपटॉप को आप होस्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले है css और bootstrap.min.css और ये जावास्क्रिप्ट की है, ठीक है। फिर bootstrap ये आपने लिंक क्रिएट कर देने, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले अगर आप इंटरनेट अपने लैपटॉप को होस्ट नहीं बनाना चाहते तो आपने cdn को कॉपी करना है। अगर आपने अपने लैपटॉप को होस्ट बनाना चाहते हैं तो आप यहां से फाइल्स डाउनलोड करें और उसे एक फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर लें और वहां से ये वाली फाइल्स का लिंक दे दें आप, ठीक है। अब सबसे पहले हम अपना फर्स्ट बूटस्ट्रैप, चलिए हम अपना बूटस्ट्रैप का पेज बनाना सीखते हैं। बूटस्ट्रैप में क्लासेस ही यूज होती हैं और डिव ब्लॉक एलिमेंट बहुत ज्यादा हम यूज करेंगे। क्लास और डिव एलिमेंट को हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे क्योंकि क्लास ही यूज होती है, हर किसी में क्लास ही हमने यूज करनी है। बिल्ट इन क्लासेस बनी हुई है बूटस्ट्रैप में, सिर्फ हमने उस क्लास का नेम देना होता है। जैसे कंटेनर दिया हुआ है ना मैंने, ऐसे सिर्फ आपने नेम देना होता है और वो वर्क करेगी। सबसे पहले क्लास हमारे पास है कंटेनर, कंटेनर को हम देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करेगी। ओपन इन ब्राउजर, अब आप देख रहे हैं कि इसने लेफ्ट साइड से भी मार्जिन छोड़ दिया है और राइट साइड से भी इसका मार्जिन छोड़ दिया इसने, ठीक है। लेफ्ट साइड से भी मार्जिन छोड़ दिया और राइट साइड से भी मार्जिन छोड़ दिया और ऑटोमेटिकली उसने फॉन्ट साइज को भी चेंज कर दिया है और दूसरी चीजों को भी चेंज कर दिया। अगर मैं इसे फुल चाह रहा हूं कि मेरी फुल विड्थ हो, ये मार्जिन ना छोड़े, तो आप सिंपल क्या करेंगे, कंटेनर फ्लूड, ओके। अब इधर रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए उसने फुल विड्थ इसकी कर दी है, ठीक है। ये दो क्लासेस है हमारे पास, एक कंटेनर एक कंटेनर फुल। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं इसे सिंपल ऐसे ही लिखूं विदाउट बूटस्ट्रैप यूज किए, ये देखिएगा मैं इसे कट कर देता हूं यहां से, मैंने इसे कट किया और इधर जाके करूंगा रिफ्रेश। अब आप चेक करें इसका फॉन्ट साइज भी चेंज हो गया, हमें लुक इसकी इतनी अच्छी नहीं नजर आ रही। मैं जैसे इसका डिक्रीज करता हूं साइज, इतनी अच्छी लुक नजर नहीं आ रही, ठीक है। आप देख सकते हैं कोई मजा नहीं आ रहा, ये देखें रिस्पॉन्सिव नहीं है चीज ना, स्क्रोल बार एड हुई है, ये देखे कितना कम हो गया काम। जैसे ही मैं इसे दोबारा से पेस्ट करता हूँ इस लिंक को बूटस्ट्रैप को, अब देखिएगा उसने लुक कितनी अच्छी कर दी है ऑटोमेटिकली सिर्फ एक क्लास देने से, ओके। ये बहुत ही अच्छा काम है ऐसे, ये देखिए फॉन्ट साइज भी उसने इंक्रीज कर दिया। तो आज हम सिर्फ इतना ही सीखेंगे, इसमें हमने सीखा कि बूटस्ट्रैप क्या होती है, बूटस्ट्रैप की फाइल्स कैसे डाउनलोड करनी है और उसको लिंक कैसे करवाना है, और दो हमने क्लासेस सीखी है कंटेनर और कंटेनर फ्लूड। इसकी आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, नेक्स्ट में हम देखेंगे कि हम फॉर्म्स कैसे बना सकते हैं, बूटस्ट्रैप के फॉर्म्स कैसे बना सकते हैं, और बटन्स को देखेंगे कि हम बटन्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग बूटस्ट्रैप, ओके। तब तक के लिए।